नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर एक आई विटनेस जो कि आर्यन का पंचनामा था उस पर हस्ताक्षर किए थे प्रभाकर, उन्होंने कई आरोप लगाए। 8 करोड़ की रिश्वत की बात भी सामने आई। इसको लेकर कल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से एक बयान जारी किया गया था, लेकिन अब उसमें एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। एनसीबी सूत्रों के हवाले से एएनआई को जानकारी मिली है कि समीर वानखेड़े पर जो भी आरोप लगाए गए हैं भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए एक 3 सदस्यीय टीम मंगलवार को दिल्ली से मुंबई जाएगी। टीम में डीडीजी एनसीबी ज्ञानेश्वर सिंह और 2 इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी शामिल होंगे। तो अब ये बात सामने आ रही है कि प्रभाकर सेल नामक गवाह ने खुद को केपी गोसावी का बॉडीगार्ड बताया था, पर्सनल बॉडीगार्ड, और उन्होंने ये बताया था कि उन्होंने कॉन्वर्सेशन सुनी थी जिसमें 25 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी जा रही थी, 18 पर डील हुई थी और ये कहा गया था कि 8 इसमें से समीर वानखेड़े को दिए जाएंगे। कल जैसे ही ये खबर आई उसके बाद जो है लगातार सोशल मीडिया पर समीर वानखेड़े के इस्तीफे की मांग हुई, लेकिन अब समीर वानखेड़े ने आज सुबह जो है मुंबई पुलिस कमिश्नर को डोंट अरेस्ट मी करके एक लेटर लिखा था जिसमें यह भी लिखा था कि उन पर कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं जो सही नहीं है और उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब जो है एक 3 सदस्यीय टीम गठित की गई है जो समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों की जांच करेगी।